या अगर इस बार ऐसा कुछ भी हुआ ना तो मैं मनशा का हाथ थाम लूंगा। मनशा को अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। तेरे घर से जाने की नौबत आई ना तो मैं भी ये घर छोड़ दूंगी। मनशा आपकी बहू है और ये बहू इस घर की मान मर्यादा पर कभी आंच नहीं आने देगी। जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, इसलिए सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। तू माँ पापा को क्यों नहीं समझाती, कहते कि अपनी बहू को माफ कर दे। ये सब मनशा की वजह से नहीं हो रहा है। चुप! बहुत वकालत कर चुकी हो मनशा की, अब एक शब्द नहीं। और मनशा तुम भी मेरा फैसला सुन ही लो। दस दिन के अंदर अंदर तुम्हें यह घर छोड़कर जाना है, सिर्फ दस दिन के अंदर अंदर। ये हिम्मत कि तुम इस घर में फिर से कदम रखो, मैं यहां पर सिर्फ इतना कहने आया हूं कि मनशा जो खन्ना परिवार की इज्जत है वो बिल्कुल बेदाग है। सफाई देने वाले यहां एक और ड्रामा, मिस्टर विजय खन्ना, आप अपना गुस्सा और अपना हाथ काबू में रखेंगे, क्योंकि अगर मुझे मैं यहां पर कोई तमाशा करने नहीं आया हूं, सिर्फ अपनी बात कहने आया हूं। क्या कहना चाहता है तू? अंकल, अंकल मनशा उस रात को मेरे घर ठहरी जरूर थी, लेकिन वो मजबूरी में ठहरी थी। उस दिन कर्फ्यू लगा था और उसे वहां पर रुकना पड़ा था, पर मेरा यकीन मानिए वो रात भर सो नहीं पाई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे दिया की फिक्र हो रही थी, उसे इस घर की फिक्र हो रही थी, आप लोगों की इज्जत की फिक्र हो रही थी सर। और मनशा कोई गलत काम कर भी नहीं सकती है, क्योंकि वो जानती है उसे आप लोगों को जवाब देना है, उसे अपने आप को जवाब देना है। यकीन मानिए मनशा ने कोई गलत काम नहीं किया है, उसने आपका विश्वास नहीं तोड़ा है। रोहित, मनशा की सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, हमने उसे इस घर से निकालने का फैसला कर लिया है। लेकिन अंकल, हमने फैसला कर लिया है रोहित। सर, बस मैंने कहा ना, हमने फैसला कर लिया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने फैसला कर लिया है तो मेरा भी आखिरी फैसला सुन लीजिए। अगर मनशा को इस घर से निकाला गया तो अब रोहित उसका सहारा बनेगा। अगर आप लोग खन्ना परिवार की बंद आंखों के सामने कोई आईना लेकर आए ना तो वापस चले जाइए, कोई फायदा नहीं है भाभी, वो लोग अपने अहंकार अपने घमंड में अंधे हो चुके हैं। कहा क्या उन्होंने? भैया वो लोग मनशा को इस घर से बाहर निकालने का फैसला ले चुके हैं। ये तो होना ही था रोहित, फिर भी
मंशा का भाई होने के नाते मैं उन्हें एक बार समझाने की कोशिश जरूर करूंगा, और फिर भी वो अगर नहीं माने तो उनके निकालने से पहले अपनी बहन को मैं अपने घर ले जाऊंगा। वो लोग हमारी बात कभी नहीं मानेंगे। किशोर भाई साहब और आशा जी के उस दिन के मूड को देखकर मैं तो पहले ही समझ गई थी। भगवान जाने अब मंशा का क्या होगा। मंशा को कुछ नहीं होगा, मैं मंशा को कुछ होने दूंगा नहीं। मैं उन्हें अपना फैसला सुना कर आया हूं। फैसला? कैसा फैसला? यही कि अगर मंशा को घर से बाहर निकाला गया तो अब मैं उसका सहारा बनूंगा। मेरे घर में मेरे सामने कैसे तेवर दिखा कर गया है? सारी हदें पार कर गया वो। सारी फसाद की जड़ तो मंशा है, अब तो दुश्मन भी घर की चौखट पार करके घर में आ गया। आप अगर मंशा की तरफदारी करने आए हैं तो उल्टे पांव वापस चले जाइए। आशा जी प्लीज हमें एक मौका दीजिए। देखिए, मंशा को घर से निकालने का फैसला सरासर गलत है। मैं मानता हूं मंशा से बहुत बड़ी गलती हुई है और हमने भी झूठ बोलकर आपको धोखे में रखा, मगर यह सब कुछ हमने इस घर की इज्जत के लिए किया, क्योंकि मंशा अब आप ही के घर की इज्जत है। आप फिर से वही रागल आपने लगे। देखिए, आप सच जान चुके हैं, आपने फैसला भी ले लिया, लेकिन उस रात मंशा के वापस ना आने की मजबूरी को आपने नजरअंदाज कर दिया। कैसी मजबूरी? कर्फ्यू वाली रात मंशा का घर लौटना खतरे से खाली नहीं था, उसकी जान भी जा सकती थी। देखिए प्लीज, आप लोग फिर से कोई नई और खोखली दलील मत देने लगेगा। झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। मुझे तो यकीन हो गया कि आप लोगों का सच से कोई वास्ता ही नहीं है, और मंशा ने जो गलती की है उसमें उसे माफी नहीं दी जा सकती। और एक बात और सुन लीजिए, हमने तय कर लिया है कि मंशा को यह घर छोड़कर जाना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। अगर आपने ये फैसला ले ही लिया है तो मैं मंशा को आज ही यहां से ले जाऊंगा। मंशा, तू अभी और इसी वक्त मेरे साथ चल, मैं तुझे लेने आया हूं। जिस घर के जिम्मेवार लोगों ने तेरी इज्जत पर उंगलियां उठाई हैं, उस घर में रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दिया को साथ ले और चल मेरे साथ। एक मिनट भैया, सबसे पहले आप इस घर के लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे। रही आपके साथ जाने की बात, वो मैं आपके साथ नहीं आऊंगी, क्योंकि यही मेरा घर है। ये तू क्या कह रही है? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इस घर को तू अपना समझ रही है? हाँ भैया, आप अच्छी तरह जानते हैं, जिस घर में एक बार एक लड़की टोली में बैठकर आती है उस घर से उसकी अर्थी निकलती है, सिर्फ अर्थी। आप अपने बताए हुए संस्कारों को ही भूल रहे हैं। मंशा, मुझसे तेरी तकलीफ देखी नहीं जाती। भैया, मुझे तकलीफ देने वाले मेरे अपने ही है ना, कोई गैर तो नहीं? वही अपने जिन्होंने मुझे ढेर सारा प्यार दिया है, ढेर सारी खुशियां दी है। जिस तरह वो सुख मेरे लिए प्यारा था, उसी तरह ये दुख भी मुझे प्यारा लगने लगा है। मंशा, किस मिट्टी की बनी है तू? हाँ भैया, माँ पापा का गुस्सा जायज है, भूल की है मैंने, गलती हुई है मुझसे, मां पापा के विश्वास को ठेस पहुंचाई है मैंने, सजा तो मुझे भुगतनी होगी। इस घर की दहलीज के बाहर मेरी जिंदगी नहीं जा सकती,
अगर जाएगी तो सिर्फ मेरी मौत। ऐसी अशुभ बातें नहीं करते हैं। मंशा, मुझे नाज है तुझ पर। भगवान तेरी रक्षा जरूर करेगा। जा रहे हो तुम? रोहित, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है। मंशा के घर गया था क्या? मेरे मना करने के बाद भी तुम गए थे? सर, उन्होंने मंशा को घर से बाहर निकालने का फैसला कर लिया है। क्या कह रहे हो तुम? जी हाँ, मैं वहां पर अपनी गलती कबूल करने गया था। उनको ये समझाने गया था कि और तुम्हारी इस कोशिश ने काम को और बिगाड़ दिया। सर, वो लोग फैसला कर चुके थे। मेरी बात सुनना या समझना तो दूर, मुझे वहां से धक्के मारकर बाहर निकालने की कोशिश की गई। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ सर। मैंने भी उन्हें अपना फैसला सुना दिया। फैसला? कैसा फैसला? यही कि मंशा बेबस नहीं है, वो बेसहारा नहीं है। विनय के बाद मैं उसका सहारा बनूंगा। रोहित, तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? तुमने जो गलती की है उसके परिणाम का अंदाजा है तुम्हें? अरे तुम मंशा का सहारा क्या बनोगे? घर से बाहर निकाले जाने के बाद मंशा की सारी मान मर्यादा सम्मान सब खत्म हो जाएगा। तब उसका सहारा बनकर तुम क्या हासिल कर लोगे? तो मैं क्या करता सर? नहीं, आप बताए मैं क्या करूंगा। मैं उनके सामने गिड़गिड़ाता, हाथ पैर जोड़ता। सर, वो लोग मंशा के बारे में कुछ भी बोल रहे थे, उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ भी बोल रहे थे, और मैं चुपचाप सुन लेता। मैं मंशा से प्यार करता हूं और मैं उसका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, हरगिज नहीं। रोहित, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम प्यार की इज्जत करना जानते हो, उसका सम्मान करते हो। लेकिन रोहित, सिर्फ इतने काफी नहीं है, अपने प्यार की हिफाजत करना भी सीखो। मंशा का घर से बाहर निकाला जाना तुम्हारे प्यार की हार है। अब शायद ठीक कह रहे सर। नहीं, शायद मुझसे गलती हो गई है। अब मैं कर भी क्या सकता हूं। रोहित, तुम ये बाजी हार चुके हो। अब जो कुछ भी करना है मुझे करना है। किशोर का सामना करना मेरे लिए चैलेंज है। कोई बात नहीं, मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करूंगा। मैं किशोर से जरूर मिलूंगा। थैंक यू सर। जानता हूं कि मेरा यहां आना मुनासिब नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने हिमाकत की तुमसे सिर्फ इतना कहने के लिए कि किशोर, अगर तुम्हारे दिल में हमारी पुरानी दोस्ती का जरा सा भी जज्बा बाकी है, थोड़ा सा भी एहसास है, तो प्लीज प्लीज मुझे 2 मिनट का मौका दो बात करने के लिए। बोलो, क्या कहना चाहते हो? किशोर, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मंशा को घर से निकालने का तुम्हारा फैसला गलत है। तो सही क्या है?
ये तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। तो मुझे समझाना क्या चाहते हो आदित्य? किशोर, मैं तुम्हें समझाना कुछ भी नहीं चाहता, कुछ भी नहीं समझाना चाहता। मैं तो तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज प्लीज तुम रोहित को माफ कर दो। ये नहीं हो सकता। तो मंशा को एक मौका दे दो। ये भी नहीं हो सकता आदित्य। किशोर, तुम एक बार दिया की ओर देखकर सोचो, तुम्हें अपना फैसला गलत लगेगा। आदित्य, दिया खन्ना परिवार की अमानत है, मंशा उस पर से अपना हक खो चुकी है। किशोर, किशोर तुम एक मासूम से उसकी बच्ची को छीनने का गुनाह मत करो। बस अब एक लफ्ज और नहीं। किशोर, तुम अपने गुरूर में, अपने ईगो में सही और गलत का फर्क भी भूल चुके हो। मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आज तुम जिस गलती की सजा मंशा को दे रहे हो, अगर वही गलती रिया ने की होती तो तुम क्या करते? चिल्लाओ मत आदित्य। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी मेरी बच्ची के बारे में ऐसी बात करने की? आदित्य, चले जाओ यहां से, वरना कुछ अनर्थ हो जाएगा। अपनी दोस्ती के छोटे से एहसास की बात की थी तो आज आज वो भी खत्म हो गया। चले जाओ यहां से। हेलो जी। जी मुझे मालूम है, आई नो वेरी वेल। राइट, आप ठीक कह रही हैं। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं आऊँगी तो उसी के साथ आऊँगी। ओके बाय। किसका फ़ोन था रिया? फ्रेंड की मॉम का। क्या कह रही थी? मामा, सारी मामा एक जैसी होती हैं, ऑल मदर्स आर द सेम। एक बात को लेके हजार सवाल। रिया, मजाक करना बंद करो और सच सच बताओ, तुम्हारी किस फ्रेंड का फ़ोन था? मॉम, आप तो ऑलरेडी शुरू हो गई। जस्ट रिलैक्स। अच्छा, मुझे शॉपिंग के लिए देर हो रही है, ओके? और हाँ, आज मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, मुझे शायद वहाँ भी जाना पड़े, आने में लेट हो जाऊंगी। ओके बाय मॉम, सी यू, हैव अ नाइस डे। मंशा के साथ एक बार फिर अन्याय किया जा रहा है। उसके दुख को समझते हुए भी हम लोग लाचार हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हम लोग। नहीं अशोक, हमें कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा। अगर वो लोग मंशा को आखिर घर से निकाल ही देंगे तो क्या बाकी रह जाएगा? मैं तो चाहती हूँ कि हम मंशा की फिर से शादी करके उसका सुखी संसार बसा दें। ये सिर्फ सोचकर ही हम लोग खुश हो सकते हैं, क्योंकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुझे तो सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल कैसा? रोहित मंशा से शादी करना चाहता ही है, क्यों ना हम दोनों की शादी करवा दें? शादी करवाना इतनी आसान बात समझते हो तुम, और वो भी इतने बिगड़े हुए हालात में? अगर तुम रोहित की बात करती हो तो मैं जानता हूँ, रोहित बहुत अच्छा लड़का है और बहुत प्यार करता है हमारी मंशा को, और इस बात का वो सबूत भी दे चुका है। फिर भी मेरा दिल नहीं मानता। क्यों? उस दिन तो तुमने कहा था कि तुम रोहित का साथ दोगे। जिस दिन उसने यहाँ आकर मंशा के साथ शादी की बात हमसे खुलकर की थी, उस वक्त बात कुछ और थी रेनू। मगर आज रोहित की वजह से मंशा के सर पर सारे इल्जाम है, और फिर मंशा भी रोहित से नफरत करने लगी है, और ऐसे माहौल में अगर दोनों की शादी होती है तो मंशा के ऊपर लगे सारे इल्जाम सच में बदल जाएंगे, और ये मैं होने नहीं दूंगा। हाँ करिश्मा, विजय भैया बोल रहा हूँ। ये टीना, रिया, ये लोग सब तुम्हारे साथ हैं क्या? नहीं। अच्छा, रिया कहाँ है पता है तुम्हें? ओके, ऑल राइट, बाय। नहीं है। माँ, रिया आ जाएगी। मेरा दिल कहता है वो किसी भी मुसीबत में नहीं होगी, वो जरूर आ जाएगी। हाँ, तुम्हारा दिल तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानता है। बहुत कॉन्फिडेंस है ना तुम्हें अपने आप पर।
शायद इसी कॉन्फिडेंस की वजह से तुम पूरी रात घर नहीं आई थी। मम्मी, रिया आपसे कुछ कहकर गई है क्या? बोल के तो यही गई थी कि अपने किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही है, थोड़ी देर से आएगी। ये सब उसे सर पे चढ़ाने का नतीजा है। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम?